हेलो फ्रेंड, बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुके हैं आप लोगों के सामने। फ्रेंड, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार यानी कि बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत न्यू रिक्वायरमेंट का आगाज हो चुकी है। न्यू रिक्वायरमेंट आने वाली है। पोस्ट की बात कीजिएगा तो ANM के लिए फिर से एक बार बहुत बड़ी संख्या में रिक्वायरमेंट आने वाली है ANM नर्सों के लिए। चलिए टोटल सीट की बात करेंगे तो 20,000 सीटों की नियुक्ति की प्रक्रिया पर यहाँ पर विचार चल रही है। कब तक ये रिक्वायरमेंट आती है पूरा डिटेल्स दिखाते हैं। फ्रेंड, ये नोटिफिकेशन बिल्कुल स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कही जा रही है। चलिए हम आपको ये नोटिफिकेशन दिखाते हैं। वह खुशखबरी तो आ गया लेकिन नोटिफिकेशन सामने कब तक आएगी इनकी भी जानकारी जरूरी है आपको जानना, तो पूरा डिटेल्स जानते हैं। चलिए वीडियो पर बने रहें। फ्रेंड, बता दूं कि अगर आप लोग आज का पेपर देखेंगे तो ये नोटिफिकेशन दिखने को सामने मिल जाएगा, जो कि डायरेक्ट मंत्री जी के द्वारा यहां पर ये जानकारी दी जा रही है। फ्रेंड, यहां पर अगर आप लोग आओगे तो देख सकते हो नए वित्तीय वर्ष में होगी 20,000 नर्सों की नियुक्ति। नया जो वित्तीय वर्ष है इसमें 20,000 नर्स की नियुक्ति की बातें यहां पर चल रही है। और डिटेल्स देखिए, सरकार आयुष्मान कार्ड से वंचित सभी राशन कार्डधारी परिवार को 4.25 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मुहैया कराएगी। वहीं 20,000 नर्सों के पद पर नए वित्तीय वर्षों में नियुक्ति की तैयारियां पूरी कर ली गई है। यानी फ्रेंड, नया जो वित्तीय वर्ष है 2022-23, इसके लिए 20,000 नए नर्सों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। यानी कि नए वर्ष वित्तीय सत्रों में 2022-23 में 20,000 नए नर्सों की नियुक्ति होंगे। यानी फ्रेंड, यहां पर बता दूं कि बजट पर चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मंगल पांडे ने शुक्रवार को यह घोषणा की। इसके साथ ही सदन में ध्वनि मत से स्वास्थ्य विभाग के 16,131 करोड़ रुपए के बजट को पारित कर दिया। तो साथ ही बता दूं फ्रेंड, ये जो 20,000 पद जो इंक्लूडिंग है इसमें बहुत ही बड़ी संख्या में वैकेंसीज आने वाली है। साथ ही ये जो इस 20,000 है इसमें जो अभी जो प्रक्रिया हो रही है करीब 9,000 ANM नर्सों की प्रक्रिया जो हो रही है, इन 9,000 भी इसी में शामिल है। यानी फ्रेंड बता दूं कि 10,000 नियुक्ति अभी भी होने वाली है ANM के लिए। साथ ही इस नियुक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत ANM के साथ साथ GNM की भी वैकेंसीज आने वाली है। लेकिन फ्रेंड, यहां पर ANM की बहुत बड़ी संख्या वैकेंसीज आएगी 2022-23 के लिए। तो फ्रेंड, जैसे ही इस ANM की प्रक्रिया की सारी चीज़ें मतलब क्लियर कर ली जाएगी, जो 8,853 की है और 865 की है उनकी ज्वाइनिंग क्लियर कर ली जाएगी, तब जाकर के ये 20,000 जो नर्स की नई नियुक्ति की प्रक्रिया बात कर रही है, जिसमें 10,000 नर्स के लिए नई वैकेंसीज आने वाली है, इन सारी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरुआत होगी। फॉर्म सामने आएगी, अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा, एग्जामिनेशन की तैयारियाँ होंगी, सारे चीज़ किए जाएंगे। तो जैसे ही फ्रेंड नया नोटिफिकेशन आता है बिल्कुल उस समय आपको इसी चैनल के माध्यम से आकर बताएंगे। तब तक के लिए थोड़ा वेट करिए, क्योंकि बात तो खुशी का हाँ ही और वेट करना ही पड़ेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है बिल्कुल आपको नोटिफाई करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी ज्वाइन करें, जिससे कि हर जानकारी वहां से भी टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।